अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आप ये सोच रहे होंगे कि भाई इतने टाइम बाद वीडियो पोस्ट की जा रही है, तो हाँ भाई क्योंकि ब्रेक लिया हुआ था थोड़ा सा हमने और अब टाइम मिला है तो यहाँ पे जो है मैंने पोस्ट करी है वीडियो। बहरहाल ये आप सोच रहे होंगे कौन सा पार्क है, तो ये जो है ये पार्क है पैराडाइज आइलैंड। हाँ भाई, बिकॉज़ ये आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद मैं ऐसा ही मजाक कर रही हूँ, कुछ झूठ बोल रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम गए थे फ्राइडे वाले दिन और 11 अगस्त थी, इस वजह से जो है यहाँ पर रश कम था और क्राउड ना होने की वजह से पुरसकून माहौल में इतने मज़े करें हम लोगों ने। और प्लस ला माशाल्लाह से क्या मौसम था, ना काबिल बयान वाला, बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा था। धूप थी नहीं और ये वेव पूल है, इसमें भी हमने बहुत इंजॉय करा। बहरहाल हमने सारे पूल्स में खूब इंजॉय किया, सिर्फ हमारी फैमिली थी, इसके अलावा दो फैमिलीज़ और थी, ज़्यादा क्राउड नहीं था, तो इस वजह से सिर्फ अपनी अपनी फैमिली के साथ ही बहुत मज़ा आया वहाँ पर। क्योंकि जब कोई और फैमिली होती है तो इसमें ये होता है कि फिर हमें ख्याल करना पड़ता है वहाँ पर, प्लस
ऐसे ही होता है, बॉयज़ होते हैं या फिर जेंट्स वगैरह होते हैं तो उनकी वजह से एहतियात करना पड़ता है ख़ुद के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई था नहीं मसला, बिकॉज़ इतनी फैमिलीज़ नहीं थी तो सब ने एक एक पूल ले लिया था, हर कोई एक पूल यूज़ कर रहा था, दैन उसके बाद वो हमें दे देता, हम उन्हें दे देते। इसी तरीके से हमने सारे पूल्स खूब इन्जॉय करे, बच्चों ने भी खूब इन्जॉय करा और प्लस मौसम ने ऐसा साथ दिया माशाल्लाह, बहुत ही हसीन बहुत ही खुशगवार मौसम था और धूप का तो नामो निशान ही नहीं था। प्लस हमें ठंड बहुत लग रही थी पानी में से निकलने के बाद, बहुत जब हवा लग रही थी ठंड लगने लग जाती, फिर दोबारा पानी में चल जाते तो नॉर्मल लगता। बहरहाल बहुत मज़ा करा हमने, वो तो आपको वीडियोस में पता चल ही रहा होगा कि जो आप वीडियो देख रहे हैं उसमें कितने हमने मज़े करे, सब ने बहुत इन्जॉय करा। ये बाल्टी वाला पुल भी बहुत अच्छा था जब आ रही थी, लेकिन यही है आने के बाद सबकी कमर सर गर्दन सब चीज़ें दुख रही थी। बहरहाल जब इन्जॉय करते हैं तो फिर मज़ा ही आता है, ये सब तो होता है। बहरहाल बहुत मज़ा आया, तो आप भी इन्जॉय करें, वीडियो को लाइक करें और अगर पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी हो रही थी एंट्री, ये मैंने एंड में रखी है वीडियो, लाइक देखें कितना मज़ा आया था हम लोगों को, मैंने आपको पहले दिखा दिया। देन हम जब इंटर हुए तो यहाँ वेट कर रहे थे वेटिंग एरिया में, प्लस हमारा सामान उतर रहा था और हमने अपना सारा सामान जो है वो हमारी गाड़ी से जब उतरा है उसके बाद हमने टिकट्स लिए, देन हम अंदर गए हैं और यही यहाँ पर एक्वाडिस्क, हाँ भाई एक्वाडिस्क डिस्को था वहाँ पर और यहाँ भी बड़ा मज़ा आया। आवाम तो थी ही नहीं, जब गर्ल्स का टाइम आ रहा था तो बात ये था कि वहाँ पर सारी फैमिलीज़ ही आ गई थी टाइम पर भी, लेकिन ये कि फ़र्स्ट टाइम में हम सब साथ थे। दैन बाद में उन्होंने कहा नहीं भाई गर्ल्स अलग हो जाएं, लाइक बॉयज़ अलग हो जाएं, जिसका जो टाइम है वो आ जाए अंदर और बाकी सब जाएं। तो यहाँ भी बहुत अच्छा लगा एंड सही था, नॉर्मल था, एवरेज था ये भी, मतलब एवरेज क्या कहें, मतलब मज़ा आया बस ये बोलना चाहिए। एवरेज तो जब होता है जब इंसान को लाइक पता नहीं चलता कि मज़ा आया या नहीं आया, तो हमें इस पार्क में बहुत मज़ा आया क्योंकि पुरसकून माहौल था, ना रश था ना क्राउड था ना ज़्यादा आवाम थी ना शोर शराबा था, बस अपनी फैमिली थी और इसके अलावा खूब हमने मज़े करे हैं। यहाँ पे एक्वाडिस में भी सब ने इन्जॉय किया एंड अच्छा था लाइक एक्वाडिस, बस ये था पाँव स्लिप हो रहे थे हमारे क्योंकि हम बाहर पूल में से निकले थे, निकलते ही पूल में से हम जो है वो एक्वाडिस में आ गए थे, तो इस डिस्को में आने के बाद जो है हमारे पाँव स्लिप हो रहे थे इस जो फ्लोर था इस फ्लोर पर। बहरहाल बहुत मज़ा आया यहाँ पे भी, प्लस ये कि जब गीले हों आप तो मूव करें तो आपको लगे कि आप पता नहीं कितने भारी हो चुके हैं, तो ऐसा हो रहा था बहरहाल हमारे साथ। और इसमें दो पॉइंट दिए हुए थे, एक गेट से आप इंटर होते और एक से आपने एग्जिट होना है, तो आप चाहें तो एग्जिट से इंटर और इंटर से एग्जिट भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा वाला सिस्टम था नहीं वहाँ पे। यहाँ ये बोले रोक टोक इसलिए भी नहीं थी किसी भी जगह की कि हम बॉयज़ के पूल्स में भी जा रहे थे, गर्ल्स के पूल्स में भी जा रहे थे, हर कोई जा रहा था, बस हाँ यहाँ पे वेव पूल के लिए जो है वो आपको अलग अलग टाइमिंग दी हुई थी गर्ल्स एंड बॉयज़ की। बहरहाल ये देखें ये काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ इन्होंने एक्वाडिस जो है, और यहाँ भी बहुत मज़ा आया, तो अगर आप जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप फ्राइडे वाले दिन जाएं, फ्राइडे वाले दिन ये होता है कि इतना क्राउड नहीं होता, सैटरडे संडे बहुत क्राउड होता है और नॉर्मल डेज़ में भी आई थिंक नहीं होता होगा इतना। तो ये हम जा रहे हैं, हम भर्रामाची की तरफ है, हमारी गाड़ी आने वाली थी, हम वेट कर रहे थे, सामान ला कर हमने बाहर रखा है और हम अपनी गाड़ी का वेट कर रहे थे कि बस आ जाए हम बैठें और शुभ घर चलें।